마지막 अब इसका पैनामा करके मम्मी होगी क्या? चारों जोश दिलाओगे ये खिंचना पड़ जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत वेलकम के लिए और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो ट्रिप आपने अचीव किया है रियली में भारत का सबसे लग्जरी ट्रिप है। आपके अचीवमेंट और आपके जज्बे से अब मैं बिल्कुल कायर हो चुका हूं आपका, और अगर तुम इतनी मोहब्बत दो तो सारा दौलत तो मैं लुटाते ही रहूंगा। दौलत नहीं चाहिए थी ना चाहिए। अभी मैं जब तुम्हारे शहरों पे खुशियां देख रहा हूँ, तुम्हें देखता हूँ, परिवार लोग आए हुए सेल्फियां खींच रहे हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं मुझे कैसा फील हो रहा होगा। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई इमोशंस, पर बड़ा गजब फील हो रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी, मैं और हम 10-15 लोग गए थे सिंगापुर ड्रीम क्रूज। तो हम वहां रहे तो हमने एक ऐसी जीवन को जिया, 10-15 लीडर थे हम मेरे साथ, कि मतलब एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस। मतलब ऐसी भी दुनिया होती है, मैं भी पहली बार ही गया था आज से 2 साल पहले, मैं ऐसी भी दुनिया होती है, ऐसे भी क्लब होते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, ऐसे डेक होता है, स्विमिंग पूल समुद्र में। तो उस दिन ही मैंने सोचा था कि जैसा मैं खुद जीऊंगा ऐसा ही असली प्रेस का यह हाल। पता नहीं क्यों एक कीड़ा है मुझे, अच्छा कीड़ा है सर। मैं अपने सभी लीडर को नहीं है भाई कीड़ा है और ये रहेगा भी, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में, भंडारी सर कह रहे थे ना किक, हर आदमी की किक अलग अलग होती है। तो हर आदमी की किक अलग अलग होती है, मेरी जो किक है ना वो लोगों की खुशियों में, मेरे बैंक अकाउंट से लगती नहीं। मैं जो गाड़ी लेता हूँ वो गाड़ी सबको दिलवाता हूँ। अभी रामवीर सर ने ओडी ले रखी थी मैंने जगवारी, ने भी दिलवा दी, मगर तुमने जगवा दी। मैं जो कपड़े पहनता हूँ वो भी सबको खरीदवाता हूँ, ये सब गवाह इस चीज के कि भाई तुम भी यही कपड़े पहनो। मैं जैसे घर में रहता हूँ ऐसा घर भी सबको खरीदवाता हूँ कि तुम भी ये घर खरीदो। क्योंकि हर आदमी का जीवन को जीने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई दौलत के लिए जीता है, कोई शोहरत के लिए जीता है, और बस परमात्मा ने एक हिम्मत दी है। और सबसे ज्यादा हिम्मत ना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे हिम्मत दी इस SDPS के फाइटर्स ने, इस परिवार ने। मतलब मैं लाख बार आपको नमन करूं, सलाम करूं, ये कोई चढ़ाने वाली बात नहीं कि मैं आपको मक्खन लगा रहा हूं, पेड़ पे चढ़ा रहा हूं। मैं आपसे हद से ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूं और रियली मैं अपनी जिंदगी आपको सौंप चुका हूं। अब जीना भी आपके लिए और मरना भी आपके लिए, क्योंकि कंपनियां बहुत आई बहुत गई, बहुत चल रही है, बहुत चलती जाएंगी, लेकिन जो हम चल रहे हैं ना अलग ही चल रहा है। जो हमारा टशन है ना वो कुछ अलग ही है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं यार। मैं छोटी सी कंपनी, 5 साल की कंपनी, 4 लाख लोग, 40,000 लोग शो में आ रहे हैं, ऐसा कभी 50 लाख लोगों की जो लोग हैं वहां भी नहीं आते, 4-4 लाख लोग यार, 40,000। और इधर तो बिना बोला हमेशा ओवर क्राउड होता है, और तुम आइटम क्या हो मेरी ये समझ नहीं। साला मेरे को जीवन में अपने कैलकुलेशन पे 100% भरोसा रहता है। जो मैं सोचता हूँ वो करता हूँ कि भाई इतना टारगेट होगा, अगली साल इतना टर्नओवर होगा, इस महीने इतनी सेल आएगी, और मैं करके छोड़ता हूँ। पर भाई साहब तुम तो सिस्टम ही ला दिया साला मेरा भी। पूरे हफ्ते खत्म हो गए, 400 अचीवर वेबसाइट पे दिख रहे हैं, 1500 हफ्ते का टारगेट है जी, 15 हफ्ते खत्म हो गए, 400 अचीवर दिख रहे हैं।
मैनेजमेंट के साथ बैठा, कोई अपना दिमाग लगा रहा, मैं चिंता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 750 800 दबा नहीं तो कर देंगे, पर सर तुमने कहां छुपा रखे थे किस पिटारे में? लो 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 400 से 15 हफ्ते में 400 और एक हफ्ते में 600 सीधे 1000 क्या कैलकुलेशन बिगाड़ा? रोल इंडिया वैकेशन बेचारा हमारा धंधा छोड़ने को तैयार हो गया कि मैं तो क्रूज का ट्रिप नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? बोला सर आपने रूम तो 700 के बुक कराए थे, मगर कैलकुलेशन बड़ा सेट था। पर ले लिया तुमने तो मुझे भी अपसेट कर दिया सर। कमाल की क्लोजिंग थी, कमाल क्या आपका जज्बा था, और मैं तो बहुत खुश हूँ कितने सारे लोग हमारे आए, और 100 लोग तो अभी 13 तारीख को आएंगे क्योंकि क्रूज में जगह नहीं मिली। पर यार इतनी बुरी तरह मत बिगाड़ा करो, आगे पीछे आस पास थोड़ा बहुत तो समझो, मैनेजमेंट भी करना है, संभालना भी है। अभी एक आ रहा है मनाली 10,000, फिर एक आके कह रहा 20,000, एक कह रहा 4,000, बताओ भाई कितनी बुकिंग करूं? मैं मनाली कैंसिल ही कर दूंगा। कोई मतलब ही कोई तरीका होता है, कोई समझदारी होती है, सिस्टम से चलो यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे ये लग रहा है अविनाश मेरा कंपनी का काम छोड़ देगा क्योंकि अप्रैल में सीजन है। अब मैं से क्या बताऊं, 5,000 के होटल बुक करा, 6,000 के करा, क्योंकि अब मैं फेल हो गया कैलकुलेशन और तुम पास हो गए। वैसे आप सब अचीवर्स के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आना भी चाहता हूँ, आपसे मिलना भी चाहता हूँ, आपके साथ नाचना भी चाहता हूँ, फोटो भी खिंचाना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत यह है कि लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं, सीधा कोली भर के पप्पी। सर मड़ा आ गया, कहां रहा सर आप? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। सर गले बोलो सर, गले सर, मैंने तुम्हें पी रखी है पूरा बन मानना सर, और कोई बात नहीं, वो डॉग भी पी लिया मैंने तो भाई डर लगता है, इसलिए चुपचाप अपने रूम में पड़े रहते हैं। क्योंकि गलती से मैं गोवा चला गया, मेरे को बड़ा शौक है अपने लोगों से मिलना, अच्छी और से एक ग्रुप फंस गया जी, अरुण शर्मा वाला। हमने कहा बीच पे मीटिंग करेंगे, 4 बातें बताएंगे, हम चले गए, सबने पी रखी भंड। अविनाश को बड़ा 8-10 बाउंसर लेके चल, इज्जत बचा के ले आना, 8-10 बाउंसर भी साथ। जब मैं वहां का गुस्सा बाउंसर कहा उनका पता नहीं, मैं स्टेज पर कैसे पहुंचा मुझे पता है, पूरे नखूनों से छील दिया सारा खाल खून, सब खून ना खून कर दिया। और फिर जब मैं स्टेज पर आया तो स्टेज पर ऐसे पड़ गए, तो भाई राम बचाए तुमसे, सूर तुमसे ठीक है। दूसरा मनाली से मैं थोड़ा टारगेट के पीछे पड़ा, क्वार्टरली टारगेट करो, क्वार्टरली टारगेट करो, क्वार्टरली टारगेट करो, मैं तो ये कह रहा टारगेट करो ब्लास्ट करो, ये थोड़ी बोल रहा था। चार सौ से सीधा 1000, अब मनाली कितने लाओगे सही से बता दो, क्यों मेरी धड़कन बढ़ा रहे हो? अरे आओ आप जितने भी लाओ हम संभालेंगे। आपके घरों में खुशियां भी, आपके जज्बा ये मेहनत हिम्मत हमेशा बनी रहे। 21 पैर कर सकते हो ना मेरे दोस्त, 210 भी कर सकते हो, 210 कर सकते हो तो 2100 भी कर सकते हो, और 2100 कर सकते हो तो 21,000 भी कर सकते हो। अपने आप से मत हारना, खुद से मत हारना, जीवन में वही जीतता है जो सबसे पहले खुद से जीतता है। और
एक वादा यहां से करके जाना कि हम सब कुछ ही दिनों में अपनी अपनी फैमिली को अपने खर्चे पर जैनिस में घुमाएंगे। और ये मर्दों वाली बात जो जिंदगी मैंने जी है, ये जिंदगी अपने बीवी बच्चों को मैं किसी भी कीमत पे जरूर दिखाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा। और मुझे 100% यकीन आप भी करोगे। बाकी मार्केट में अब फोग नहीं चल रहा, अब हमारा खौफ चल रहा है। आया ना, वो तो दिखता भी होगा आप लोगों को। पूरे पूरे प्रोग्राम हमारे नाम के होने लग गए। अपनी बात कम, हमारी बात ज्यादा। जाके बताओ उन्हें संजीव सर को एक खौफ बहुत अच्छा लगा। और मेरा आपसे वादा है मेरे दोस्त, जितने लोग बैठे हो, ये वादा आपके हिम्मत से, आपके जज्बे से और आपकी वजह से मैं दुनिया को कर चुका हूं कि 2025-31 मार्च का सूरज जब छिपेगा, जब एसएलपीएस हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी होगी।